हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेके आए हैं, वो भी रसायन विज्ञान का, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, पाठ में, हम लोग कार्बन क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है और जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, IUPAC पद्धति क्या होती है, इन सब के बारे में बहुत ही सरल भाषा में और डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे। क्योंकि कक्षा 10 की तैयारी करने वाले जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए रसायन विज्ञान का यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। हमने यहाँ लिख रखा है कार्बनिक रसायन, जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कक्षा 10 का यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और मैं आपको इस पाठ को, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो साथ ही साथ आप अपने कॉपी में इसका नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि यह पूरा चैप्टर मैं शुरू से लेकर अंत तक आपको कई पार्ट में पढ़ाऊंगा। आप अपने कॉपी में इसे अगर नोट्स बना के लिखेंगे और पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो कार्बनिक रसायन है, तो आरंभ के दिनों में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, शुरुआती दिनों में जो पदार्थ होते थे उनमें जो है प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर उन पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। ये यहाँ हमने पदार्थ लिख रखा है, तो पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, एक कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक, एक कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सबस्टेंस, एक अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, कार्बनिक पदार्थों में और अकार्बनिक पदार्थों में बांटा गया। तो सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं, एक बार फिर से सुनिए, ऐसे पदार्थ जो जंतुओं से और वनस्पतियों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं सब में कार्बन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, यानी कार्बनिक पदार्थों में क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद में जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है न कि कार्बनिक पदार्थ, तो यह तो इसका एक अपवाद हो गया। उसके बाद एक दूसरा अपवाद है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, इसमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन यह भी अपवाद की श्रेणी में आता है। तो इन्हें छोड़कर अन्य जितने भी पदार्थ हैं लगभग सभी में अगर कार्बन मौजूद है तो क्या है, वो कार्बनिक पदार्थ हैं। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, यूरिया हो गया, रबर हो गया, कपूर हो गया, गोंद हो गया, एल्कोहल हो गया आदि, ये सभी पदार्थ क्या है, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं और ये कहीं ना कहीं जंतुओं से और वनस्पतियों से हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ की, तो जितने भी पदार्थ निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो हमें निर्जीव स्रोत जैसे कि नमक हो गया, खनिज पदार्थ हो गए यानी मिनरल्स हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया यानी चूना हो गया, ये सभी पदार्थ क्या है, ये सभी पदार्थ जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि ये सभी जो है निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में कार्बन नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, हम यहां पढ़ेंगे जैव शक्ति सिद्धांत, विटाल फोर्स थियरी।
तो सबसे पहले यह जो जैव शक्ति सिद्धांत था इसको दिया था एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया और उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत में क्या कहा, उन्होंने कहा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में एक जैव शक्ति आवश्यक होती है। एक बार फिर से देखिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में एक जैव शक्ति आवश्यक होती है, अतः कार्बनिक यौगिक केवल जीवों द्वारा निर्मित होते हैं। बर्जीलियस का यह मानना था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके लिए एक जैव शक्ति यानी जीवों की शक्ति का होना आवश्यक है, अतः कार्बनिक यौगिक केवल जीवों द्वारा ही निर्मित हो सकते हैं और अन्य पदार्थों द्वारा निर्मित नहीं हो सकते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा उनका संश्लेषण भी संभव नहीं है, ऐसा कहना था किसका, बर्जीलियस का। और उनकी यह जो थ्योरी थी वह थ्योरी कहलाई जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन इनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ओहलर, जिनका नाम था ओहलर। ओहलर ने सन 1828 में बताया गया, उन्होंने एक प्रयोग किया लेबोरेटरी में, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक जो कि यूरिया था, ध्यान दीजिएगा एक कार्बनिक यौगिक जो कि यूरिया था, उसका संश्लेषण किया यानी उसको बनाया अपने लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम यूरिया था। यूरिया यानी NH2CONH2 जो कि इसका फार्मूला होता है, उसको बनाया, किससे बनाया, अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया, किसको बनाया, अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया। और यह जो अमोनियम साइनेट था यह एक अकार्बनिक पदार्थ था, कैसा पदार्थ था, अकार्बनिक पदार्थ था। उसी अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट को गर्म करके उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम एक कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम था यूरिया। और जब उन्होंने अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण कर दिया तो बर्जीलियस की यह जो थ्योरी थी जैव शक्ति सिद्धांत यह क्या हुई, गलत साबित हो गई, गलत सिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने NH4CNO यानी अमोनियम साइनेट जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है इसे गर्म किया और गर्म करके यूरिया का निर्माण किया यानी NH2CONH2 का निर्माण किया जो कि एक कार्बनिक यौगिक था। तो बर्जीलियस की यह जो थ्योरी थी जैव शक्ति सिद्धांत वह क्या हुई, वह गलत साबित हो गई। तो बच्चों हमने देखा कैसे ओहलर ने बर्जीलियस की धारणा को गलत साबित किया, उनकी धारणा को उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। उसके बाद ओहलर ने जब अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया उसके बाद कुछ और अन्य वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने जैसे कि 1845 में कोलबे ने प्रयोगशाला में एस्टिक एसिड यानी एस्टिक अम्ल CH3COOH का निर्माण किया, एस्टिक अम्ल को हम सिरका भी बोलते हैं, उसका निर्माण किया। उसके बाद इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बर्थेलो। बर्थेलो ने सन 1856 में अपनी प्रयोगशाला में मेथेन का संश्लेषण किया यानी मेथेन को बनाया। उसके बाद इन सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया गया और तब जाके इन्हें जो है कार्बनिक यौगिक नाम दिया गया। तो ये तो था जैव शक्ति सिद्धांत और कैसे बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन ये था जैव शक्ति सिद्धांत और कैसे ओहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। अब इसके बाद हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण, कार्बनिक यौगिकों के जो जनरल फीचर्स होते हैं उनको देखेंगे। तो चूंकि आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो सामान्य कॉमन लक्षण हैं उन्हीं को आप पढ़ेंगे, इनके बारे में और डिटेल में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण की बात करते हैं
तो कार्बनिक यौगिकों का प्राकृतिक स्रोत जीव जंतु और वनस्पतियां होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, इनका जो प्राकृतिक स्रोत होता है ये जीव जंतु और वनस्पतियां हैं। सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया जाता है, कार्बन मौजूद होता है। अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक ज्यादा होते हैं। अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिक ज्यादा होते हैं क्योंकि कार्बन परमाणुओं में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। अभी आप ये अभी अभी आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कार्बन आपस में जुड़कर कैसे श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा तथा त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगली इनकी जो खास बात है कि इनकी संरचना यानी कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना होती है वो जटिल होती है तथा इनके अणु भार भी प्रायः उच्च होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सामान्य लक्षण के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसी होती है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं अधिकांश कार्बनिक यौगिक दो समूहों से मिलकर बने होते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो ज्यादातर दो मुख्य समूहों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से एक समूह को हम बोल देते हैं एल्किल समूह या एल्किल मूलक, और एक समूह को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एल्किल समूह या मूलक होते हैं, तो सबसे पहले मूलक क्या होते हैं, तो कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे मूलक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके अपने विशेष गुण होते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा समझिए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे सोडियम, ये सोडियम का क्या है, प्रतीक है, ये हो गया सोडियम। और आप सबको पता होगा जो सोडियम होता है वो क्या होता है, सोडियम होता है एक मेटल, क्या होता है एक मेटल होता है, मेटल यानी कि एक धातु होती है, कौन, ये सोडियम। फिर हमने यहाँ लिखा क्लोरीन, क्या लिखा क्लोरीन, और आप सबको पता होगा क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन एक गैस होती है, क्या होती है गैस होती है। तो अब यहाँ सोडियम है ये धातु है, यहाँ क्लोरीन है ये गैस है, लेकिन बच्चों अगर मान लो ये सोडियम है और सोडियम से आके यह क्लोरीन मिल गया तो यह बन गया सोडियम क्लोराइड, क्या बन गया सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी खाने वाला नमक बन गया। तो आया कौन, क्लोरीन आया, इसके साथ जुटा तो यह बन गया सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। तो इसका अपना एक विशेष गुण हुआ कि नहीं हुआ, इसका अपना एक विशेष गुण हो गया, क्योंकि जैसे ही यह सोडियम से मिला इसने बना लिया सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। या फिर इसका हम उल्टा कर दें, सोडियम चला गया क्लोरीन के पास मिल गया तो सोडियम भी जैसे ही क्लोरीन से मिला बन गया सोडियम क्लोराइड, तो इसका भी यानी सोडियम का भी अपना एक विशेष गुण हो गया। तो मूलक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके अपने अपने क्या होते हैं, विशेष गुण होते हैं। तो अधिकांश कार्बनिक यौगिक दो समूह से मिलकर बने होते हैं, एक एल्किल समूह या मूलक, एक क्रियात्मक समूह से। एल्किल समूह को हम अंग्रेजी के कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और क्रियात्मक समूह को हम अंग्रेजी के कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका मेथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH। तो इस मेथिल एल्कोहल में बच्चों ये जो CH3 है हाइफन CH3 है, ये तो हो गया आपका मेथिल समूह हो गया, ये क्या हो गया आपका मेथिल समूह या मेथिल मूलक हो गया। अब बचा क्या, OH बचा, तो OH आपका क्या हो गया बच्चों, यह जो OH हो गया, यह OH हाइफन OH, यह हो गया आपका क्रियात्मक समूह, यह आपका क्या हो गया क्रियात्मक
समूह हो गया, यह हो गया आपका क्रियात्मक समूह। CH3 आपका हो गया मेथिल समूह और OH हो गया आपका क्रियात्मक समूह। तो एक तो हो गया आपका एल्किल समूह, ये CH3 आपका एल्किल समूह हो गया और OH हो गया आपका क्रियात्मक समूह। उसी तरह से हम एग्जांपल देखते हैं एसिटिक अम्ल का CH3COOH का, तो ये जो CH3 हो गया यह हो गया आपका एल्किल समूह, यह आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका एल्किल समूह, एल्किल समूह हो गया। बचा क्या, बचा आपका COOH, तो COOH आपका बच्चे हो गया क्रियात्मक समूह, क्या हो गया आपका क्रियात्मक समूह हो गया। तो आप जो है ये दो एग्जांपल लिख लीजिए, इसके और भी ढेरों एग्जांपल हैं। तो ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिकों की संरचना। अब इस कार्बनिक यौगिकों की संरचना में हम आगे देखेंगे एल्किल समूह के बारे में या एल्किल मूलक के बारे में, एल्किल समूह क्या होता है या एल्किल मूलक क्या होते हैं। तो आगे हम देखेंगे एल्किल मूलक या समूह, हम देखेंगे एल्किल मूलक या एल्किल समूह, हम आगे देखेंगे एल्किल मूलक या एल्किल समूह, इसे हम एल्किल ग्रुप भी बोल सकते हैं या एल्किल रेडिकल भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में मूलक को बोलते हैं रेडिकल और समूह को बोलते हैं ग्रुप। तो अब हम जानेंगे कि यह आखिर में एल्किल समूह या एल्किल मूलक होता क्या है। तो बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा, जितने भी एल्केन हैं उन सभी एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे C कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है, n का मतलब हो गया बच्चों, n बराबर नंबर यानी कि संख्या। उसके बाद यच आपका हाइड्रोजन हो गया और ये 2 तो आपका अंक हो गया, यन फिर हो गया आपका नंबर। तो यह एल्केनों का सामान्य सूत्र है। हम अगर यहाँ पे जैसे कि CnH2n+2 की जगह पे 1 रख के देखेंगे तो हो जाएगा C1 रखेंगे, एक यानी नंबर है 1, तो C1H2n+2 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा C1 लिखा नहीं जाएगा, H 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया आपका मेथेन, क्या हो गया मेथेन हो गया। अगर हम 2 रख के देखेंगे तो जैसे कि CnH2n+2, अब हम रखेंगे इसकी जगह पे 2 तो हो जाएगा C2H2n+2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो C2 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, C2H6, चूंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 8 होता है, 8 में जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा, ये हो गया आपका एथेन। तो इस तरह से एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं बच्चों, हम उनका जो है जो फार्मूला है, सूत्र है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जो एल्किल मूलक या एल्किल समूह होता है तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना जानना है कि एल्केनों में से, ध्यान दीजिएगा, एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु, एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देने पर प्राप्त समूह को
एल्किल समूह, एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहते हैं, या एल्किल मूलक कहते हैं। तो ये तो हो गया डिफिनिशन किसका, एल्किल मूलक का या एल्किल समूह का। एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देने पर प्राप्त समूह को हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह या एल्किल मूलक बोलते हैं। जैसे अब एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है मेथेन, कौन है मेथेन, ये CH4 है। अब बच्चों इस CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे माइनस कर दें तो हो जाएगा यह CH3। अब CH3 से क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल हो जाएगा। और मेथिल क्या है, मेथिल एक एल्किल मूलक है, एक एल्किल समूह है। उसी तरह से C2H6 है बच्चों, C2H6 क्या है, एथेन है। इसमें से भी अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देंगे तो प्राप्त होगा C2H5, तो ये हो जाएगा एथिल, ये क्या हो जाएगा एथिल। और एथिल भी क्या है, एक एल्किल मूलक है, एक एल्किल समूह है। तो ये हो गया आपका एल्किल मूलक या एल्किल समूह। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह से अपने कॉपी पिन को बराबर नोट करिए, बराबर लिखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।